हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईलाइनर लगाने की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाली हूं, जिससे आप इजीली अपना आईलाइनर लगा सकते हैं। विंग्ड आईलाइनर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आईलाइनर होता है हमारी आँखों की जान होता है। हमारा कितना भी मेकअप कर लें, आई शेडो लगा लें, कुछ भी लगा लें, बट अगर हमारा लाइनर और काजल नहीं लगा है तो हमारी आंखें सूनी सूनी लगती हैं, हमारा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। तो मैं आपको आज ऐसी ही टेक्निक बताऊंगी, जिससे कि आप अगर नए हैं या सीख रहे हैं, या आपको एक आंख में लग जाता है एक आंख में नहीं लग पाता है, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपके दोनों आँखों में सेम लाइनर लगेगा। और विंग आईलाइनर लगाना चाहें तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो लेट्स सी द वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपनी आँखों के मिडिल पार्ट से स्टार्ट करूँगी लाइनर लगाना, और जितना बारीक आप लगा सकें उतना बारीक आपको लगाना है। और जो आपका आउटर कॉर्नर है सिर्फ अभी वहीं तक आपको लाइनर लगाना है, फिर इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आपको मिडिल तक इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको कितना उसका थिकनेस रखना है। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली आंख में भी लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों आंखों में लग गया। अब हमें विंग लाइनर लगाना है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी लोअर लैश लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हल्की सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और उसको ट्राइंगल शेप में देकर उसको मिडिल पार्ट तक ले जाना है ज्वाइन करते हुए, और जो बीच का हमारा पार्ट रह जाता है उसको लाइनर से फिल कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, विंग आईलाइनर लगकर तैयार है। दूसरी टेक्निक में आपको क्या करना है कि जो आपकी आँखों के पास का एरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, और जितना लंबा आप विंग बनाना चाहें उतना लंबा विंग आप बना सकती हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी आँख में भी स्ट्रेच करके इसको लेंथ दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, है ना टेक्निक बहुत ही बढ़िया, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बहुत ही आसानी से इसको लगा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।